नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटो कैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 64। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस डायग्राम में एक एरे का एक स्पेसिफिक पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनसाइड वाला यहाँ पर सर्कल जो है ड्रॉ करेंगे, जिसका डायमीटर यहाँ पर बनेगा 40, और यहाँ पे जो PCD दिया है वो है रेडियस 35, आउटर सर्कल जो है उसकी रेडियस है 50, और यहाँ पे डाया 10 के 6 होल्स यहाँ पे दिए हैं, जो एक परफेक्टली हाफ सेगमेंट में ही यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं सर्कल कमांड, और इनसाइड वाला सर्कल है उसका डायमीटर बनेगा 40 मिलीमीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे PCD ड्रॉ करेंगे, और सेम सेंटर के साथ हमें रेडियस 35 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। रिपीटेड कमांड लेंगे सर्कल, और सेम सेंटर के साथ आउटर सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस है 50 मिलीमीटर। उसके बाद हमें इनर वाले सर्कल से कुछ इस प्रकार से क्वाड्रेंट पॉइंट से दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और अब लेते हैं ट्रिम टूल, और यहाँ से एंटिटीज़ को जो है थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब सेंटर मार्क लेते हैं CM, और आउटर सर्कल को ये डायरेक्टली एक सेंटर मार्क दे देते हैं। इस सेंटर मार्क को हम यहाँ से रेड कलर देंगे, और यहाँ पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे, जिसका डायामीटर है 10, और इस सर्कल को हमें अभी एक हाफ सेगमेंट में एरे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक लाइन भी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लाइन बना के लेनी पड़ेगी। हालांकि इसे ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन ड्राइंग में ज़्यादा ओवरराइड लाइन वर्क ना बनाएं। तो एरे के लिए हमें ये सर्कल और ये वर्टिकल लाइन एज अ सेंटर लाइन हमने यहाँ पे ले ली है, और यहाँ से हम पोलर एरे को सिलेक्ट करेंगे, और CEN यानी कि सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ से हम चूज़ करेंगे। लेकिन ये जो हमारा एरे बनेगा वो है पूरा फुल 360 डिग्री में बन रहा है। क्वांटिटी 6 नंबर हमारे बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल फिल नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है 180 डिग्री। जैसे हम कर्सल यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पे एरे बन चुका है। अगर ये राइट साइड में होता तो सिंपल हमें यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, और डायरेक्शन को चेक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऊपर वाले सर्कल में है, तो इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे हम सर्कल बनाएंगे, और यहाँ से डायरेक्शन अप या डाउन हम स्विच कर सकते हैं। परफेक्टली हमारी पोजीशन आ चुकी है, तो हम यहाँ पे सिंपल एंटर कर देंगे। एसोसिएट का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, रह सकता है, चलेगा। तो लाइन वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सी डायग्राम थी, एक ट्रिक थी इसमें। अब देते हैं डायमेंशन, डायमेंशन लीनियर हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट हम इसे मैच कर देते हैं ताकि ये सेंटर लाइन दिखे। उसके बाद डायमेंशन हमें डायामीटर देना है, यहाँ पे डाया 10, इसे एडिट करेंगे डबल क्लिक के बाद, और क्वांटिटी 6 नंबर से कुछ इस प्रकार से मेंशन करेंगे। अब देते हैं रेडियस जो PCD है 35 रिपीटेड, और जो आउटर सर्कल है वो रेडियस 50 का। तो यहाँ पे हमारे डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि एरे में आपको कुछ नया सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।